मैं मेहताब भाई से विनती करूंगा, प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है मेहताब भाई, हमारे एनबी अवध 11 के मेहताब भाई। फ्रेंड्स 11 वर्सेस मैच आप देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर शुरू होने जा रहा है, गोपी 11 एरोली, तारे सितारे यानी स्टार कास्ट दोनों ही टीमों में आपको नजर आते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं एक रोमांचक और एक रोचक मुकाबला, एक कांटे की टक्कर का ये मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों की बात करें तो एक एक मैच अपना जीत चुकी है दोनों टीमें। कनक 11 भांडुप टीम को हराकर गोपी 11 टीम ने अगले राउंड में प्रवेश किया, और साथ ही साथ एनबी अवध 11 पुणे टीम को हराकर फ्रेंड्स 11 टीम ने यहां पर अगले राउंड में जगह बनाया है। टीम हडल आप देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर, चार ओवर का ये मैच, काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से। अगर नजरिया बदलना है जीत के जरिए के लिए तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा दमदार रखना होगा। स्वागत है आप सभी का, जितने दर्शक हमारे ग्रामीण टेनिस के डॉट इन के माध्यम से जुड़े, आज खास तौर पर तुरबे गांव के लिए एक खुशी की खबर है, खुशी की लहर है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में दादा का हमेशा से एक शानदार कार्य रहा है, कामगार नेते माजी नगर सेवक सम्मानीय आदरणीय माननीय श्री चंद्रकांत रामदास जी पाटिल साहब का आज जन्मदिन, और कहीं ना कहीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज आप देख सकते हैं ब्लड चेकअप कैंप रखा गया है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर और सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। सामाजिक कार्य हमेशा से दादा का यही नेतृत्व रहा है करने का, और दादा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यानी दिनांक आज 26 अगस्त और हमारे चंद्रकांत साहब का जन्मदिन, फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया है, टॉस जीता सचिन कदम ने और कहा हम पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी से विनती है, ये टूर्नामेंट लाइव है, सिक्सर किंग का भी अवार्ड रखा गया है, बेस्ट बैटर बेस्ट बैट्समैन और खासतौर पे बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज, तो विनंती है प्लीज दोनों टीमों के 12th मैन मैच शुरू होने से पहले आपको स्टेज पर आना है। टॉस जीता गोपी 11 एरोली टीम ने और कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे इस चार ओवर के मैच में। नरू आप देख सकते हैं खेलते हुए नजर आ रहे इस मैच में, जिन्होंने TDPL में एक दमदार प्रदर्शन किया था, मैच विनर खिलाड़ी है, और ओपनिंग जोड़ी मैग्निफिसेंट माजिद बलोज और उनके साथ हरफन मौला अली कुरेशी चिता कैम के खिलाड़ी, दूसरी तरफ बुनकोड़े नवी मुंबई के खिलाड़ी आप देख सकते हैं बीच मैदान में। पिछले मैच में दोनों ही खिलाड़ियों की बात करें तो यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की थी, और उस यानी कहने का मतलब है दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक बैटर ने 18 बॉल खेलकर 44 रन बनाया यानी माजिद बलोज ने, और 13 गेंदे खेलकर अली कुरेशी ने रन बनाए 44, यानी 5 ओवर में विदाउट लॉस 89 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था एनबी अवध के खिलाफ, जिसके वजह से एक तरफा मैच हो रहा। सिक्सर किंग के भी यहां पर पुरस्कार रखे गए, सिंग इज किंग कौन होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पहले मैच में दमदार परफॉर्मेंस करने वाले दो बैटर मैदान के अंदर, माजिद बलोच स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर अली कुरेशी चिता कैम के खिलाड़ी, बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं सिबान शेख नासिक से आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सफर तय कर नवी मुंबई तुरबे गांव में इन्होंने प्रवेश किया है। पहले मैच में दो ओवर के स्पेल में 15 रन देकर यहां पर किफायती गेंदबाजी की थी इन्होंने, भले ही विकेट नहीं मिला था लेकिन कहीं ना कहीं बाकी गेंदबाजों के लिए एक अच्छा नींव सेट किया था, मोमेंटम सेट किया था। शिबान शेख मैन फ्रॉम नासिक बॉलिंग करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट, पहली गेंद पटकी हुई गेंद और कहीं ना कहीं ओवर द हेड बॉल गया यानी सर के ऊपर से यह गेंद है, 1/4 ओवर भी है, वाइट भी दिया गया है। इस मैच की अंपायरिंग करते नजर आएंगे ऑफिशियल दो अंपायर हमारे ग्राउंड पर, गुरुनाथ जी पाटिल उदयजी तांडेल। शिबान शेख एक बार फिर बॉलिंग ले तैयार, फेस करेंगे माजिद बलोच, ये कड़क शॉट है, ये ट्रेडमार्क शॉट है माजिद का, डीप स्क्वायर लेके रीजन में पावरफुल पुल शॉट, और सिक्सर के साथ माजिद ने यहां पर अपना खाता खोला है, गजब का ये शॉट, टीम की पारी के लिए आता हुआ पहला सिक्सर। माजिद की अगर बात करें तो दो इनिंग में इनके 50 रन पूरे हो चुके हैं 19 गेंदों में। आज श्री रामतनु माता तुरबे के मैदान पर माजिद का बल्ला बरस रहा है, सुबह बरसात हुई अब इनके बल्ले से रनों की बरसात। इस बार तेज खेलना चाह रहे थे,
ऑन दी अप खेलने का प्रयास था कहीं ना कहीं और एक रन आता हुआ, पैट से रन था अंपायर का कहना, ये बल्ले से रन। माजी भी थोड़ा सा शेडो प्रैक्टिस में वही कह रहे हैं, ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं लेकिन बैट से एक रन जरूर आया, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फ्रेंड्स 11 का जा पहुंचा 8 पर। शुरुआत अच्छी मिली टीम को, धीमी बाउंसर थी इस बार, यहां पर रैकेट वाला शॉट खेला था और ये भी टाइमिंग कमाल की है, बॉल जाता हुआ यहां पर ऑन साइड की तरफ, डीप में खिलाड़ी थे जरूर लेकिन बनेंगे दर्शक क्योंकि दर्शनीय स्ट्रोक आया है मैग्निफिसेंट माजिद के बैट से, 6 रन, टीम का स्कोर 14 यानी 14 पर जा पहुंचा है। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं पटकी हुई गेंद थी, तैयार थे माजिद इस गेंद को फेस करने के लिए और माजिद कहीं ना कहीं पेस के खिलाफ सही तरीके से गेंद को फेस करते हैं, पेस पसंद है माजिद को, पेस को सही तरीके से खेलना जानते हैं। गुजरात में 200 इंडिविजुअल स्कोर, अद्भुत पारी, हाफ रैकर बॉल, एक बार फिर रडार में गेंद थी, स्लॉट में बॉल थी, इस गेंद को भी यहां पर मैदान के बाहर डिपॉजिट किया है, इस खिलाड़ी को रोकना थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है गोपी 11 एरुली के बॉलर शिबान शेख को। अगर बात करें तो मैग्निफिसेंट माजिद के बाद से एक और अनदर सिक्सर, एक्शन रिप्ले में देखिए शॉट, तक 20 रन आ चुके, पहला ही ओवर चल रहा है इस मैच का, एक महत्वपूर्ण लड़ाई दोनों टीमों के बीच, गोपी 11 एरोली वर्सेस मुकाबला फ्रेंड्स 11 के बीच चलता हुआ, 4 गेंदे अब तक इस ओवर की अगर बात करें तो हो चुके हैं और 20 रन स्कोर कार्ड जिसमें से 19 रन है माजिद बलोच के। ओवर द विकेट शिबान, इस बार भी शॉर्ट आर्म जैब की ऑनसाइड की तरफ, नो मैन लैंड में बॉल गिरता हुआ, डीप प्रोटेक्शन वहां पर तैनात है, आप देख सकते हैं खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए फील्ड करने के लिए गेंद को, 1 रन माजिद के बैट से, सेंसिबल क्रिकेट, एकाग्रता, समझदारी, सूझबूझ और अनुशासन नजर आता हुआ माजिद की बल्लेबाजी में। आज माजिद का बल्ला बोल रहा है खूब और कमाल की बैटिंग करते हुए नजर आ रहे, गुजरात में 200 रनों की एक अद्भुत पारी जिस खिलाड़ी ने पेश किया है और आज तक उस रिकॉर्ड को कोई भी खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है। इस बार ऑन द राइट स्ट्रोक था, हवा में गेंद है, नरू गेंद के नीचे और कमाल की फील्डिंग, वेल डन नरू, यानी नरेंद्र वहां पर खड़े थे और एक अच्छा कैच पकड़ा गया है, यही खासियत है इन सभी तारे सितारे स्टारकास्ट खिलाड़ियों की, जिगरा और जज्बा अगर आपको देखना है तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों में देखिए। ऊंची काफी गेंद गई थी अली कुरेशी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक ऊपरी किनारा लगा स्टिकर के बिल्कुल नीचे गेंद और अली कुरेशी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, 0 का स्कोर लेकर जाएंगे अली कुरेशी इस मैच में और पहला झटका लगता हुआ फ्रेंड्स 11 टीम को पहले ओवर की आखिरी बॉल पर। शिबान शेख का ओवर की बात करें तो 21 रन आए शिबान शेख के ओवर में और विकेट मिला है 1, यानी थोड़ा सा महंगा स्पेल रहा है ये शिबान शेख का जो नासिक से आज क्रिकेट खेलने आए तुर्बे नवी मुंबई में। साइड बॉयज आयोजित ये प्रतियोगिता, प्रथम पारितोषिक 50,000 व चमचमाती हुई क्रिस्टल ट्रॉफी, रनर अप की टीम की बात करें तो 25,000। कल ग्रामीण लॉट्स से कुमार 11 तुर्बे टीम ने फाइनल में जगह बनाया है, यानी आज ओपन लॉट्स के कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल विजेता टीम होगी वो फाइनल मैच खेलते हुए नजर आएंगे कुमार 11 तुर्बे टीम के साथ। अप्पा स्ट्राइकर सीबीडी टीम को हराकर कल भूषण पाटिल एंड कंपनी टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। चलिए फ्रेंड्स 11 दत्ता आपका एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज भेजना है, सिक्सर किंग का भी अवार्ड रखा गया है, एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे प्लीज भेजिए। बॉलिंग मार्ग पर अब आए हैं मोहन राव, पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे लेकिन इस मैच में मोहन राव अवेलेबल है। मोहन राव की बात करें तो कहीं ना कहीं 50 से भी अधिक वर्ष ये खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं एक कलाकार ये गेंदबाज, दीवा के खिलाड़ी और सामने बोनकोड़े का बल्लेबाज, हाफ फेकर गेंद थी इसे कन्वर्ट किया एक और सिक्सर के लिए। आज माजिद रुकने का नाम नहीं ले रहे, इनकी पारी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है, एक और सिक्स माजिद के बैट से, आधे पिच की है बॉल, हाफ ट्रैकर लेंथ और इसको कन्वर्ट किया है शॉर्ट टर्म जैब यानी पुल किया है, 6 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर 1 फ्रेंड्स 11 टीम का स्कोर, माजिद की जिसमें रन है 26। दत्ता नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी अपने इंतजार का वेट कर रहे हैं।
इस बार स्ट्रोक को चेक किया था, बिल्कुल गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के रीजन में। आज जहां जहां माजिद बल्ला घुमा रहे हैं वहां वहां रन पा रहे हैं। वाइड इस लॉन्ग ऑफ के रीजन में इस मर्तबा एक धाकर चौका आया है माजिद बलोच के बैट से, अनस्टॉपेबल माजिद खिलाड़ी है कड़क और खेलता हुआ बेधड़क, कमाल की बैटिंग। टीम का स्कोर हो चुका है 31, चार ओवर के इस मैच में तूफानी पारी खेलते हुए। मेहता भाई आपका हम स्वागत करते हैं, सुस्वागत है, वेलकम हमारे एक लेजेंड क्रिकेटर एनबी अवध पुणे टीम के। मेहता भाई स्वागत है आपका, टीम का स्कोर है 31। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव लगाने का प्रयास था, गेंद के नीचे वहां पर सचिन कदम, मोहन राव विकेट दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 31 31 पर, और 31 पर दो खिलाड़ी अब आउट और विकेट गिरा है माजिद का, बड़ा विकेट, 30 रन बनाकर आउट हुए माजिद। 8 गेंद इन्होंने फेस किया, एक्स्ट्रा कवर पर एक अच्छा कैच सचिन कदम आप देख सकते हैं कैप्टन कप्तान खड़े थे सचिन कदम, और एक्स्ट्रा कवर पर एक वेल जज कैच, मोहन राव विकेट टेकर बॉलर, साइड आर्म एक्शन इनकी बॉलिंग रहती है और कहीं ना कहीं इनकी बॉल ज्यादा बाउंस नहीं होती, स्किट कराते गेंद को, और विकेट टेकर बॉलर है और सबसे अधिक मिडन ओवर डालने का कारनामा जिस खिलाड़ी के पास है कीर्तिमान है दीवा गांव के, मोहन राव आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर बैटिंग करने आए हैं। नीनाथ अब नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर नंबर 4 पर, दत्ता मोहित नॉन स्ट्राइकर एंड पर। स्कोर की बात करें कुल स्कोर है 31 पर, दोनों ही ओपनिंग जोड़ी अब आउट हो चुकी है फ्रेंड्स 11 टीम की। वापसी करती हुई इस मैच में कोपी 11 एरोली टीम, इस बार जड़ में बॉल डाल रहा था, ड्राइव किया है गेंद को सामने की तरफ, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, मिड ऑफ पे कोई फील्डर था नहीं, यानी सिर्फ एक ही रन मिलेगा। निनाद ने यहां पर अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर में 1 रनों का इजाफा, 1 रन की हुई है वृद्धि और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 पर 2 फ्रेंड्स 11 टीम। मोहन राव कम बैक वाला ओवर, पहले ओवर में यहां पर 21 रन आए थे शिबान शेख के ओवर में, लेकिन इस ओवर में किफायती गेंदबाजी की है, 11 रन देकर एक विकेट चटकाया है माजिद का मोहन राव ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब दत्ता पहली बॉल फेस करेंगे अपने पारी का। यह गेंद थोड़ी सी तेज डाली थी, हल्की सी बॉल स्किट भी हुई है लेकिन दिशा खराब, उदयजीत तांडल कह रहे कि यह वाइड है और अंपायर का सिग्नल वाइड आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 33-33 पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मोहन राव 12 रन कुल खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। लेफ्ट आर्म एक बार फिर राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे, एक बार फिर ये थोड़ा सा लाइन देखने लायक होगा, ये भी गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है, अंपायर का सिग्नल ये भी वाइड है, बैक टू बैक दो गेंदे यहां पर खराब डाला है मोहन राव ने। 13 रन कुल खर्च कर चुके हैं इस ओवर में और फ्रेंड्स 11 टीम का अब टोटल स्कोर हो चुका है 34-34, लॉस ऑफ 2 विकेट, मिडल ऑर्डर पर थोड़ा सा दारोमदार बढ़ गया। ये फुल टॉस बॉल थी, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया है, स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक ऑन द राइट शॉट था ये दत्ता मोहिते के बैट से, एक कमाल का शॉट निकला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सिक्सर ओवर द लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन। जा पहुंचा 40 पर आखिरी बॉल इस ओवर की, ओवर नंबर 2 की अगर बात करें तो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार स्लॉग करना चाह रहे थे फ्रंट लेग को आगे कर एक क्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे मोहन राव, एक बार फिर यहां पर कमाल करते हुए धमाल करते हुए अपनी टीम के लिए कम बैक वाला ओवर हुआ है गोपी 11 एरुली टीम के लिए। एक्शन रीप्ले में आप देख सकते हैं यहां पर नाखुश अपने आप से वहां पर दत्ता मोहिते, लेकिन लौटना होगा उनको वापिस क्योंकि विकेट चटकाया यहां पर मोहन राव ने अपनी टीम के लिए इस ओवर में। 2 सफलता उनके नाम, टीम के लिए आता हुआ है 3 कामयाबी। 2 ओवर का खेल हुआ है 4 ओवर के इस मैच में, फ्रेंड्स 11 टीम का स्कोर है 40-3। दो ओवर के खेल के बाद आप देख सकते हैं मुकाबला चलता हुआ गोपी 11 एरोली वर्सेस मुकाबला खेला जा रहा है बीच मैदान के अंदर फ्रेंड्स 11 के बीच। फ्रेंड्स 11 टीम ने पिछले मैच में 5 ओवर में एनबी अवध 11 पुणे टीम के खिलाफ 89 रन बनाए थे, 90 का लक्ष्य था, वहां पर
ओपनिंग जोड़ी ने धमाल किया था, लेकिन यहां पर देखा जाए तो शुरुआत माजिद ने कमाल की 8 गेंदों में उन्होंने 30 रन बनाए, लेकिन मोहन राव ने उनका विकेट दिलाकर अपनी टीम की बात करें तो जान में जान लाया है। बाला है बॉलिंग मार्क पर, सागर ने बल्लेबाज जो कि अभी भी आए बैटिंग करने के लिए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हो गए। नीनाथ के पास स्ट्राइक है जिन्होंने 1 गेंद खेला है और 1 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाली 12 गेंदों में 1 नंबर वाली बैटिंग करनी होगी अगर टीम को एक बड़ा सा स्कोर खड़ा करना है। यह मुकाबला रफ एंड टफ होने वाला है। नागपुर विदर्भ से आप देख सकते हैं खिलाड़ी बिलोंग करने वाले, बाला ठाकरे एक प्रसिद्ध बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं इनके पास अस्त्र है, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस बार शुरुआत अच्छी ओवर की रही है, इस बार ऑन दी अपशॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर ग्लेन वैती आप देख सकते हैं खिलाड़ी तैनात। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेहताब भाई का जो खास तौर पर आज उपस्थित हुए और उनकी टीम हमारे साथ आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए। मैच जरूर हारे लेकिन यहाँ पर मेहताब भाई ने कीमती समय दिया हमारे साथ जुड़े और उसके लिए हम साइड बॉयज की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बाला अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे, पेशे से शिक्षक है लेकिन खास तौर पर एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर भी उतनी पहचान है बाला की, स्पोर्ट्स टीचर आप देख सकते हैं। हाफ ट्रैकर बॉल थी, ऊंची काफी गई है लेकिन बॉल जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग लेग के तरफ, अंपायर का निर्णय यस सिंगल आता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 42-42 पर। पहले ओवर में 21 रन बने थे, दूसरे ओवर में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही थी देखा जाए तो, और 19 रन का ओवर था वह मोहन राव का, 2 विकेट जरूर मिले उनको। दूर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ही एक गेंद थी। बाला और मोहन राव की गेंदबाजी में एक समानता नजर आ रही है, साइड आर्म एक्शन इनकी गेंदबाजी रहती है, इनकी गेंदें आपको ज्यादा पटकी हुई लेंथ नहीं होगी, इनकी बॉल जगह से स्किट होती है यानी गुड लेंथ और कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और कामयाब हुए अब तक इस ओवर में। बाला ये अच्छी बॉल अंदर आई गेंद और कहीं ना कहीं ओवर पिच की गेंद को इसे ढकेला है स्क्वेयर ऑफ द विकेट, डीप स्क्वेयर के खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए। साजिद खड़े थे वहां पर, नरू ने कलेक्ट किया बॉल को और इस सिंगल के साथ टीम फ्रेंड्स 11 का स्कोर जा पहुंचा है 43-43 पर। बाला ने कमाल का ओवर डाला है, 2 ओवर में स्कोर था टोटल 40 लेकिन इस ओवर में बाला ने रन खर्च किया सिर्फ और सिर्फ 3, इकोनॉमिकल स्पेल ओवर द विकेट। इस बार ओवर द बॉलर हेड शॉट खेला गया था, गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात भरत लोहार आप देख सकते हैं, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर जिनकी पहचान है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। सिर्फ सिंगल आया, निनाद के पास स्ट्राइक होगा, 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 44 लेकिन बाला की गेंदबाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अद्भुत इन्होंने बॉलिंग की है, 2 ओवर में 40 रन था फ्रेंड्स 11 टीम का लेकिन इस ओवर में अपनी टीम को कमबैक कराया है, बाउंस बैक कराया है, वापसी कराई है यहां पर बाला ने अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए। स्पोर्ट्स टीचर पेशे से और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में 12 घंटे ट्रैवलिंग कर आज तुर्बे नवी मुंबई में बिलोंग करते हुए यहाँ पर दिखा दिया है कि इस नागपुर के शहर में कितनी ताकत है। विदर्भ का ये सितारा नागपुर का खिलाड़ी आप देख सकते हैं बाला, जिन्होंने 3 तीसरे ओवर में सिर्फ रन खर्च किए उन्होंने 4। बाला ठाकरे गजब का स्पेल इंजिन कर रहा है, 3रा ओवर किफायती ओवर, कामयाब ओवर, अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए परेश बॉलिंग मार्क पर, फेस करेंगे निनाद लेफ्ट हैंडर, स्लोअर वन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत, पढ़कर गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई ऑफ स्टंप के बाहर, ये लेंथ था लेफ्ट हैंडर के लिए, पहली गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से दूर रखने का प्रयास था, सफल हुए परेश और कहीं ना कहीं परेश का थोड़ा सा प्रवेश इस ओवर में काफी अच्छे तरीके से हुआ है, डॉट बॉल आया है। गोपी 11 एरोली टीम की अगर बात करें, वापसी कर चुकी इस मैच में गोपी 11 एरोली टीम, फ्रेंड्स 11 टीम का स्कोर है 44-3। ओवर की अगली बॉल निनाद के लिए, इस बार इंतजार किया उसके बाद पंच किया गेंद को, बॉल जाता हुआ आप देख सकते हैं यहां पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की रीजन में भरत लोहार गेंद को फील्ड करने के लिए आते हुए और तेज गति से दौड़कर गेंद लेकर पहुंचे बॉलर की तरफ कान मंत्र देने के लिए। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में मोहन राव के ओवर में आए 2 विकेट और 19 रन, लेकिन तीसरे ओवर में बाला ठाकरे ने अपनी टीम को बाउंस बैक कराया इस मुकाबले में 4 रन देकर,
एक किफायती ओवर डालकर चौथे ओवर के गेंदबाज के लिए कहीं ना कहीं एक मोमेंटम सेट किया है परेश बॉलिंग करते हुए। सागर के लिए बॉल थी, ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ऑफसाइड की तरफ शॉट खेला गया, पीछे खिलाड़ी तैनात वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, दो की कॉल है, थोड़ा सा वाइडिश था जिसका फायदा दोनों बैटर ने अवश्य उठाया है। तीसरे की भी कोशिश थी लेकिन मना किया वहां पर सागर ने, निनाद इंटरेस्टेड थे तीसरे रन के लिए लेकिन नकारा वापस सागर ने। दो रन के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ फ्रेंड्स 11 का जा पहुंचा है 47-43 फ्रेंड्स 11 टीम। शुरुआत अच्छी दी आज माजिद ने, 8 गेंदों में 30 रन बनाया उन्होंने। इस बार थोड़ा सा उंगलियां फेरा, बैक ऑफ द लेन बॉल थी, अंपायर का इशारा आता हुआ है कि ये शरीर से लगा हुआ गेंद गया डिक्लेयर जोन की तरफ यानी लेग बाय। एक रन इस सिंगल के साथ फ्रेंड्स 11 टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 48 पर। रोचक ये मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर का ये मुकाबला होगा। दो सर्वश्रेष्ठ टीमें, दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के सभी तारे सितारे स्टारकास्ट खिलाड़ी आज इस मैच में उतरे मैदान के अंदर। फुल टॉस बॉल थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी वहां पर श्रेष्ठ इंदुलकर, इनके बैट से पहले मैच में हमने लगातार 3 सिक्सर देखे थे और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 49-49 पर। आखिरी बॉल होगा ये, एक और लाजवाब ओवर। पिछले 11 गेंदों में गोपी 11 एरोली के गेंदबाजों ने सिर्फ रन खर्च किए देखा जाए तो यहां पर 8 रन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया कमबैक वापसी हुआ है गोपी 11 एरोली टीम का इस मैच में। लास्ट बॉल इस बार पुल किया है, रन कितने मिलेंगे देखना होगा और अंपायर का सिग्नल सिर्फ एक, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर जो ऑरेंज कलर का फ्लैग नजर आ रहा है वहां के बिल्कुल थोड़े से बगल से गेंद गई यानी डिक्लेयर जोन है जहां पर सिर्फ एक रन। आखिरी बॉल पर निनाद के बैट से सिंगल आया, टोटल स्कोर हो चुका है आप देख सकते हैं 50 यानी फिगर स्कोर आप देखते हैं फिगर आंकड़ा और 50 रन बनाया गया बैटिंग टीम द्वारा फ्रेंड्स 11 टीम द्वारा। 4 ओवर में 51 का लक्ष्य मिला है टीम गोपी 11 एरोली टीम को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 11 यानी अली कुरेशी एक फ्रेम में नजर आ रहे, दूसरे फ्रेम में आप देख सकते हैं गोपी 11 टीम की तरफ से सचिन कदम। लेजेंड क्रिकेटरों का यहां पर शुमार है आज तुर्बे नगरी तुर्बे गांव में श्री रामतनु माता के क्रीडांगण यानी मैदान के अंदर। लक्ष्य 51 रनों का और 51 रन किस प्रकार बनेंगे आप देख सकते हैं। उसका खुद निकाल सुनाने के लिए कॉमेंट्री बॉक्स में हमारे लेजेंड कॉमेंटेटर वॉइस ऑफ आईपीएल कुणाल सर का आवाज आपको सुनने को मिलेगा इस इनिंग में 51 की चेज में। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है वरद 11 नवी मुंबई टीम जिनका मुकाबला खेला जाएगा यहां पर रीतु जितेश डुमुल रीति जितेश नीलू डुमुली टीम के साथ। विनती प्लीज टॉस के लिए आना है और वरद 11 नवी मुंबई टीम के कैप्टन, दोनों कप्तानों से विनती है टॉस के लिए आपको आना है 51 का टारगेट। आइए कमेंट्री बॉक्स में कुणाल सर का आवाज सुनने को मिलेगा। एक्कावन्न धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे। तर 50 धावा झाल्यात, 51 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये गोपी 11 ला फ्रेंड्स 11 च्या विरुद्ध खेळत असताना। सलाबीची जोडी श्रेयश इंदुलकर आणि त्याच्याबरोबर सचिन सावंत, चांगलं टार्गेट सेट झालंय आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी दोन्ही सलामीवीर सज्ज। तर पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी अजय ठाकूर,
यानंतरच्या मॅचसाठी टॉससाठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन यायचे. वरद इलेव्हन नवी मुंबई, जीतू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली. नेक्स्ट मॅच वरद इलेव्हन नवी मुंबई आणि जीतू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली यांच्या दरम्यान मॅच होईल. तर स्वराज इथे आलाय, जीतू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली टीमचा कॅप्टन. टीम वरद इलेव्हन नवी मुंबई आपल्या टीमचा कॅप्टन लवकरात लवकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा. टॉस केला जाईल या ओव्हरच्या दरम्यान. तर पहिलं षटक अशे, पहिलाच बॉल, पहिल्याच बॉलवर एक चांगला फटका, परंतु बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल चाललाय घोषांकित क्षेत्रामध्ये. श्रेयस इंदुलकरचं खातं उघडलं जातंय एका धावेने. लक्ष या मॅचमध्ये 51 धावांचं. दोन्ही टीमचे कॅप्टन इथे आलेत. गणेश कारंडे कॅप्टन आहे वरद इलेव्हन नवी मुंबई संघाचा, जीतू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली टीमचा कॅप्टन आहे स्वराज म्हात्रे. दोन टीम नेक्स्ट मॅचमध्ये इन ॲक्शन असतील. पाच ओव्हरची ती लढत असेल, लक्षात घ्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन. फर्स्ट राऊंड पाच ओव्हरचा असेल. दुसरा बॉल चांगल्या टप्प्यावर अजयचा, बीट करून गेला, ऑन साईडला पुल करायचा होता, पण दुसरा जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल थोडासा कमी गतीने गेलाय बॉल. चांगलं टेलिकास्ट टेनिस क्रिकेट डॉट इन या वेबसाईटवर तुम्ही पाहताय गौरव सावंत आणि त्यांची संपूर्ण टीम. नेक्स्ट मॅचचा टॉस होतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. आणखीन एक चांगला बॉल अजयचा, परंतु यावेळेला पंचांचा इशारा येतोय, वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये जाईल. टीमची धावसंख्या 2. जीतू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली या टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय. स्वराज म्हात्रेने जो काही निर्णय घेतलाय तो लगेचच त्याची अंमलबजावणी करायची आहे जसा सामना संपेल. प्रॅक्टिस करायला वेळ नाहीये, लक्षात घ्या आज एक्स्ट्रा मॅच आहे, पाच ओव्हरची मॅच असेल. अजयचा एक वाईड बॉल, टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 2. फुल टॉस आणि यावेळेला स्क्वेअर लेगला उडवलाय. अभि अंपायरचा सिग्नल काय येतोय, या फटक्यावर धावा किती मिळतील. एकच धाव घोषांकित क्षेत्रामध्ये, सिंगल. सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या 3. अजय ठाकूर आतापर्यंत चांगली बॉलिंग त्याने केली आहे. हा लक्ष मोठं आहे या मॅचमध्ये, 51 धावा चेस करायचे आहेत. या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दोन मातब्बर खेळाडू मैदानामध्ये आहेत, सचिन आणि सचिनच्या बरोबर श्रेयस इंदुलकर. धावा झाल्या 3, चांगले खेळलेत फ्रेंड्स 11. अजयचा चांगला बॉल, ओरपिच होता, चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये फिल्डर आहे, चांगली फिल्डिंग, फक्त एकच धाव मिळेल. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 4. पहिलं षटक सुरू असताना तुम्ही पाहताय चंद्रकांत रामदास पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन. शिआर सेट यांचा आज वाढदिवस, विनीत चंद्रकांत पाटील युवा नेते यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. भूषण पाटील साईड बॉईज ग्रुपच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. बोलत यार पुढचा बॉल घेऊन अजय. यावेळेला शॉर्ट बॉल होता, पडल्यानंतर पायाचा वेध घेतला जातो. अंपायरकडे अपील केली परंतु स्पष्ट नकार इथे दिलाय. आणि दुसरा धावेचा प्रयत्न इथे सुरू झालाय. बॉल मागे लागला तरच एक धाव घोषांकित मिळेल, अन्यथा तुम्हाला धावा धावून काढायचे आहेत. 2 धावा ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. लेग बायचा इशारा, बॉल जर भिंतीला लागला तरच घोषांकित क्षेत्र आहे, अन्यथा बॉल ग्राउंडच्या आतमध्ये असेल कुठेही दगडाच्या जवळ. अंपायर 2-1, 2 धावा, यस, तर 2 धावा ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. टीमची धावसंख्या डबलने पुढे जाते. धावा झाल्या स्कोरबोर्डवर 6. लेग बाय, शॉर्ट बॉलचा वापर, बॅकफुटला जात असताना पुल केला, डीपमध्ये फिल्डर आहे. काऊ कॉर्नरला बॉल अडवला जातोय, तोपर्यंत सिंगल मिळेल. अलीने बॉल अडवला, ओव्हरची होते समाप्ती. पहिलं षटक अजय ठाकूरचा चांगल्या टप्प्यावर. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा खर्च केल्या त्याने फक्त 7. गोपी इलेव्हन ऐरोलीची धावसंख्या बिनबाद 7 स्कोरबोर्डवर पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर.
विनंती अपन व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत डायघरचे सुशील पाटील जीटीसी वेबसाइट ज्यांची आणि त्यांचा संघ आता जितुरीची निलेश इलेवन डोंबिवली हा संघ इन ॲक्शन असेल तर सुशीलला विनंती आपण या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. हा बॉल सोडून दिलाय पहिलाच बॉल रघु परदेसी चांगल्या टप्प्यावर. डॉट बॉलने सुरुवात झाली या ओव्हरची. शॉर्ट बॉलचा वापर मॅन फ्रॉम भिंगारी रघु परदेसी चांगल्या टप्प्यावर पहिला बॉल टाकला दुसरा बॉल वाईट बॉल आहे. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 8. आता धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी 43 बॉल शिल्लक आहेत. 17 बॉल 43 फ्रॉम 17 स्लॉटमध्ये होता. ओर पिच फ्लाइटेड बॉल बॉलला पाठवले बाउंड्रीलाइनच्या बाहेर. 6 धावा मिळतील. षटकार येतोय सचिन सावंतच्या बॅटमधून. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचली आता 14. रघुचा हा बॉल सोडून दिला लेफ्ट केला अंपायरचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. जितुरीची निलेश इलेवन डोंबिवली संघाचे सर्वच जे समर्थक असतील पुरस्कर्ते असतील यांना विनंती आपण या व्यासपीठावर त्याच्यामध्ये सुशील पाटील आणि त्यांचा मित्र परिवार आपलं सहर्ष स्वागत. धावा झाल्यात व्हाईट बॉल बरोबर 15. पुन्हा एकदा पुढे टाकलाय खोलवा टप्प्याचा बॉल होता खोदून काढला अक्षरशः स्वीपर कव्हर मधून. क्षेत्ररक्षक धावतोय बॉलच्या मागे तोपर्यंत एक धाव मिळेल. सिंगल जाते सचिनच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 16. लक्ष या मॅचमध्ये सेट करण्यात आलं आहे 51 धावांचं 51 आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सध्या तरी शांत सुरुवात झाली आहे. गोपी इलेव्हनची आक्रमण करावं लागेल श्रेयसला. श्रेयससाठी हा बॉल आणि एक आक्रमक फटका. बॉलला पाठवले सर मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून सीमारेषा पलीकडे स्लॉग हिट सिक्सर. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 22. मोठा फटका श्रेयस इंदुलकरच्या बॅटमधून. रघु यांच्या अगेन्स्ट यावेळेला थोडासा पुढे टाकलाय बॉल. एक धाव इथे मिळेल. वाईडिश लॉंगॉनच्या दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण दत्ता मोहितेचं. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 23 धावा. ओव्हर नंबर 2 खेळ प्रगतीपथावर असताना 23 शेवटचा बॉल शिल्लक. शेवटचा बॉल चांगल्या टप्प्यावर अंपायरकडे अपील केली आहे. स्पष्ट नकार इथे येतोय उदय तांडेल यांचा. अंपायर सिग्नल लेग बाय. ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 2 खेळ संपला. 12 सरासरीने धावा झाल्या 24. आता येणारे बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे 12 आणि 12 बॉलमध्ये सामना जिंकण्यासाठी धावा करायचे 27. 12 चेंडू 27 धावा. मध्ये गोलंदाज येतोय अली. बॉल शिल्लक आहेत 12 बॉल मध्ये धावा करायच्या 27. 27 फ्रॉम 12 स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज सचिन सावंत. अली कुरेशी पहिला बॉल घेऊन. पहिलाच बॉल सचिनसाठी. बॅटची आतमधली कडा घेतली आहे. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर आहे.
एक धाव इथे कंप्लीट होईल, एकच मिळेल, 26 करायचे आहेत आता 11 बॉल मध्ये. मॅच ऑन, चांगला सामना, रंगतदार लढत. हे जे सामने आहेत हे सामने चांगलेच रंगले सकाळच्या सत्रातले. पहिलाही सामना चांगला रंगला, दुसरा सामना थोडासा एकतर्फा राहिला, परंतु तिसरा सामना रंगतदार अवस्थेत. यावेळेला श्रेयससाठी हा बॉल स्क्वेअर लेगला उडवलाय, पाहूया धावा किती मिळतील. मला वाटतं घोषणकी क्षेत्राच्या दिशेने वाटचाल करतोय बॉल, फक्त एक धाव जाईल टीमच्या टोटलमध्ये. 10 बॉलचा खेळ आता शिल्लक आहे, 10 बॉलमध्ये 25 धावा करायचे आहेत. 2.5 पर बॉल हे समीकरण या मॅचमध्ये. आता 10 बॉल आणि 25 धावा. अलीचा हा बॉल प्लेड ऑन, श्रेयस इंदुलकर बॅटची कडा घेतली, अलीला मिळाले विकेट, श्रेयस आउट. डॉट इनचं वेब्स या वेबसाईटचं टेलिकास्ट. पडल्यानंतर बॉल भरपूर खाली राहिला आणि बॅटची आतमधली कडा घेत असताना मिडल अँड लेग स्टिकला जाऊन हा बॉल धडकलाय. हिमांशू यांचं इथे आगमन झालं, वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत. चेंज ऑफ पेस, कमी गतीने टाकलाय बॉल, स्क्वेअर लेगला बॉल चाललाय सीमारेषेच्या दिशेने. चांगली फिल्डिंग आणि तेवढा चांगला थ्रो, बॅकअप चांगलं मिळतंय. एकच धाव टीमच्या टोटलमध्ये. द मॅच ऑन, धावा झाल्या स्कोरबोर्डवर. 27 धावा करायचे, 24 बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे, 8 बॉल 24 धावांची आवश्यकता. 8 बॉलमध्ये कमीत कमी 4 षटकार मारावे लागतील या मॅचमध्ये जिंकायचं असेल तर गोपी इलेव्हन ऐरोलीला. 8 चेंडू आणि 24 धावा हे समीकरण. नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालाय, जितू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली या संघाने टॉस जिंकलाय वरद इलेव्हनच्या विरोधात. स्वराजने टॉस जिंकलाय, निर्णय लवकरात लवकर घेऊन तुम्हाला मॅच सुरू करायची आहे. शॉर्ट बॉलचा वापर, चांगला फटका सचिनच्या बॅटमधून इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर, बॉल चालेल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. सात बॉल आणि आता 18 धावांची आवश्यकता. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा अलीच्या विरुद्ध मात्र कडा प्रहार. फलंदाज सचिन सेट झालाय, 8 बॉल खेळलाय. ओरपिच बॉल होता, ड्राईव्ह केला, मिडविकेट आहे डीप मध्ये. फिल्डिंग मध्ये थोडस फंबल्ड पाहायला मिळालं आणि त्याचा फायदा उचललाय सचिनने. 2 धावा मिळताना दिसतायत. ओव्हरची होते समाप्ती. आता 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 6 बॉल मध्ये धावा करायचे सामना जिंकण्यासाठी. 16 चेंडू 16 धावा, 16 from 6. विनंती, शेवटचं षटक. 6 बॉल मध्ये धावा करायच्या 16 कंपल्सरी टार्गेट चेस. नेक्स्ट मॅच वरद इलेव्हन, जितू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली. गणेश कारंडेच्या विरुद्ध खेळताना दिसेल स्वराज मात्रे इन ऍक्शन. नेक्स्ट मॅच मध्ये खुल्या गटातला आणखीन एक मोठा सामना तुमच्या समोर, जितू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली अगेन्स्ट. मॅच रंगताना दिसेल वरद लॉजिस्टिक. अमितचा पहिला बॉल पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय, डोक्यावर हात ठेवले सचिन सावंतने नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. त्याला वाटलं की हा तर हाफ ट्रॅकर होता आणि ते बीट झालाय. पा शॉर्ट बॉल बॅटच्या खालून गेला ग्लेनच्या. आता 5 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. पाच चेंडू 16 धावा हे समीकरण या मॅचमध्ये. मॅच ऑन, पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा तेच चित्र, यावेळेला वेग होता मागच्या बॉलमध्ये, वेग नव्हता या बॉलमध्ये, थोडीशी गती होती
आणि सलग दुसरा डॉट बॉल टाकला अमितने. पहिला बॉल कमी गतीने शॉर्ट बॉल, या बॉलवर थोडीशी गती प्राप्त केली परंतु त्याचबरोबर बॉल चांगला फिरला, चांगला लेग कटर सरळ गेला बॉल विकेटकीपरच्या हातामध्ये. चार बॉल 16 धावांची आवश्यकता, कंपल्सरी टार्गेट चेस हा नियम आहे या स्पर्धेमध्ये, लक्षात घ्या धावा चेस कराव्या लागतील. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉलचा वापर, अंपायरचा सिग्नल व्हाईट. आता 15 धावा करायच्यात येणाऱ्या चार बॉलमध्ये, चार चेंडू 15 धावा हे समीकरण या मॅचमध्ये. दबाव आता दोन्ही साईडवर आहे नो डाऊट. हा बॉल थोडासा पुढे टाकलाय, बॉल हवेत आहे, मिस टाईम होतोय, फिल्डर आहे डीपमध्ये मिडविकेटला आणि हा झेल ड्रॉप, कॅचेस विन द मॅचेस, झेल सोडलाय. दोन धावा मिळवलेल्या आहेत ग्लेनने मॅचमध्ये. पुन्हा एकदा पलटवार, कॅच घेतला असता तर नवीन बॅटर आला असता, दोन धावा कमी झाल्या असत्या, परंतु समीकरण बदललंय. 3-13 एका टीमचे 3-13 नक्की वाचतील आता या स्पर्धेमध्ये. एक संघ स्पर्धेच्या बाहेर, एक संघ इन ॲक्शन असेल. 3 बॉल 13 धावा अमितच्या समोर ग्लेन वैती, मागच्या मॅचचा हिरो ग्लेन, सामना चांगला फिनिश केला. 3-13 ग्लेनसाठी हा बॉल पडल्यानंतर खाली सबमरीन डिलिव्हरी. माजी जल्लोष करतोय, दत्ता मोहिते जल्लोष करतोय आणि आता दोन बॉलमध्ये धावा करायच्या 13. एक्स्ट्रा रन जर आली नाही तर सामना फ्रेंड्स इलेव्हनच्या खिशात आहे. एक्स्ट्रा रन आली तर मॅच ऑन परत. हे दोन बॉल खूप महत्वाचे आहेत गोलंदाज अमितसाठी. 2 बॉल 13 धावांची आवश्यकता असेल मॅचमध्ये. आणि इथे मात्र एक मोठा फटका, इथेही मिस टाईम होतोय, हवेत आहे, फिल्डर खाली, झेल इथे आली घेईल असं वाटतंय आणि घेतलाय फलंदाज बाद. ग्लेन बॅक टू द पॅव्हिलियन, गोपी 11 ऐरोली पराभवाच्या आता दाट छायेमध्ये आहे. शेवटचा एक बॉल, एका बॉलमध्ये धावा करायचे 13. हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ काय हे हा सामना नक्की तुम्हाला सांगून जाईल. दोन्ही टीम ताकदीने मैदानामध्ये उतरल्या. माजी दत्ता मोहिते अली हे सारखे खेळाडू विरोधी टीम मध्ये, दुसऱ्या बाजूला भरत लोहार, सचिन कदम, सचिन सावंत, ग्लेन वैती, सिब्बान शेख, असे मातब्बर खेळाडू विरोधी टीम मध्ये असताना सध्या पराभवाच्या छायेमध्ये गोपी 11 ऐरोलीचा संघ. शेवटचा बॉल, शेवटच्या बॉलमध्ये सध्या माजिद तुमच्या स्क्रीनवर आहे, चांगला खेळलाय आणि हा सामना इथे अंपायरचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉल प्लस 1, 11 धावा करायच्यात लास्ट बॉलमध्ये. 1 बॉल 11 रन. साजिद लाला स्ट्रायकिंग एंडला, 1 बॉल 11 रन आणि इथे षटकाराने हा सामना संपेल. परंतु सामना इथे जिंकलाय फ्रेंड्स इलेव्हनने, 5 धावेने ही लढत जिंकली आहे फ्रेंड्स इलेव्हनने. अभिनंदन फ्रेंड्स इलेव्हन आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल फ्रेंड्स इलेव्हन टीमच्या खेळाडूला ज्याने अफलातून बॅटिंग केली. माजिद बलोच ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच दावा केल्यात माजिदने, तो ठरतो या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. अभिनंदन